हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका गोपाल। हमारा किचन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन कलमी कबाब। तो हम अपने किचन पे कलमी कबाब कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। तो चलो चलते हैं फटाफट वीडियो के अंदर और बनाते हैं चिकन कलमी कबाब। तो दोस्तों, कलमी कबाब के लिए सबसे पहले हम चिकन को अच्छा से काटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने लिया है चिकन थाई पार्ट। आपको चिकन लेग का ऊपर का जो थाई पार्ट होता है, ऐसा थाई पार्ट का चिकन लेना है और साइड में ये चर्बी को अच्छा सा क्लीन कर लेना है और इसे अच्छा सा काटिंग कर लेना है। तो कैसे काटेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, आपको धीरे धीरे चिकन का साइड पे ये चर्बी अच्छा से निकाल लेना है और ये चिकन देख रहे हैं, इसको अच्छा से कलमी स्टाइल पे काटना है आपको। ये देख रहे हैं, आपको सेम ऐसा ही काट लेना है चिकन को और इसका बीच में हल्का सा कोट लगा लेना है, दाग लगा लेना है बस। तो दोस्तों, आपको धीरे धीरे ये सारे चिकन को सेम ऐसा ही कटिंग कर लेना है। तो देख रहे, मैंने मीजा रेडी कर लिया है, चिकन को अच्छा सा कटिंग करके वॉश कर लिया है। अब बनाते हैं इसके लिए मसाला। तो सबसे पहले चिकन को हम फास्ट मैरिनेशन कर लेते हैं। तो फास्ट मैरिनेशन पे यूज करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, सॉल्ट, आधा चम्मच नटमेग पाउडर, ग्रीन चिल्ली पेस्ट, थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ चॉप और ऐड करते हैं थोड़ा सा सलाद ऑयल। तो दोस्तों, अब हम इस चिकन को अच्छा से फास्ट मैरिनेशन कर लेंगे। आपको भी चिकन को सेम ऐसा ही फास्ट मैरिनेशन कर लेना है। तो दोस्तों, फास्ट मैरिनेशन होने के बाद आपको इस चिकन को आधा घंटा तक चिलर में रख लेना है। तब तक इसका बीच में हम बनाते हैं मसाला। तो इस चिकन को रख लेते हैं चिलर में। तो चलो, अब हम बनाते हैं उसके लिए मसाला। तो देख रहे हैं, आपको लेना है एक डिश और ऐड करना है भुना हुआ बेसन। आपको झिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली हॉल खड़ा मसाला और बेसन, सारे चीज ऐड करके बेसन को अच्छा से भून लेना है। ये देख रहे हैं, भुना हुआ बेसन। आप नेक्स्ट ऐड करेंगे हैंग कट। आपको दही को भी अच्छा से कपड़ा में फिल्टर कर लेना है। तो देख रहे हैं, ये हैंग कट। नेक्स्ट ऐड करेंगे ग्रेटेड अमूल चीज। नेक्स्ट ऐड करेंगे कैसुनेट पेस्ट। आपको कैसुनेट को अच्छा से भिगो के फाइनली पेस्ट कर लेना है। तो ऐड करेंगे कैसुनेट पेस्ट। नेक्स्ट ऐड करेंगे स्पाइसी के लिए ग्रीन चिल्ली पेस्ट। स्वादिष्ट अनुसार ऐड करेंगे नमक। ऐड करेंगे 1 स्पून चाट मसाला। नेक्स्ट ऐड करेंगे 1 स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर। ऐड करेंगे 1 स्पून ग्रीन कार्डमम पाउडर। तो अब नेक्स्ट ऐड करेंगे 1 स्पून व्हाइट पेपर पाउडर और नेक्स्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा सेफ्रन। नेक्स्ट ऐड करेंगे 1 स्पून किचन किंग पाउडर। नेक्स्ट ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम और नेक्स्ट ऐड कर लेंगे थोड़ा सा सलाद ऑयल। मैंने सारे मसाला ऐड कर लिया है। अब हम धीरे धीरे इसे अच्छा से प्यार से मिक्स कर लेंगे। आपको मिक्स करके अच्छा से मसाला बना लेना है और इसे टेस्ट भी कर लेना है। तो दोस्तों, देख रहे हैं, हमारा ये मसाला रेडी है। अब हम धीरे धीरे इसमें ऐड कर लेते हैं। सारे चिकन ऐड कर लेना है और इसे अच्छा से आपको मिक्स कर लेना है।
तो दोस्तों देख रहे हैं मैंने चिकन पे मसाला कैसे लगा लिया है जबरदस्त। जब ऑर्डर आएगा तब मैं एक पोर्शन सीख में लगा के प्रेजेंटेशन का साथ आपको मैं दिखाऊंगा। तो तब तक इसे फ्रीजर या चिलर में रख लेते हैं, बाद में लगाता हूँ। चलो लगाते हैं। तो दोस्तों आपको एक मोटा सा सरिया लेना है और इस सरिया पे आपको धीरे धीरे चिकन को अच्छा से प्यार से लगा लेना है। देख रहे आपको सेम सीख में ऐसा ही लगाना है मसाले का साथ। आपको धीरे धीरे वन बाय वन करके अच्छा से चिकन को सीख में लगा लीजिए। तो दोस्तों देख रहे हैं मैंने कैसे सीख में लगा लिया है, आपको भी सेम ऐसा सीख में लगा लेना है। और अब हम इसे तंदूर में 180 डिग्री टेम्परेचर में अच्छा से नाइसली वेल डन कुक कर लेते हैं। तो अब हम इस कबाब को तंदूर में डाल देंगे और लीड डाल के इसे अच्छा से वेल डन कुक कर लेंगे। और दोस्तों आपका चिकन हाफ डाउन हो जाए तो आपको ऐड कर लेना है थोड़ा सा बटर। देख रहे हैं चिकन कैसा मैंने हाफ कुक कर लिया है। हाफ कुक करने के बाद आपको ऐड कर लेना है लाइटली बटर और इसे लटका देंगे। 5 मिनट बाद ऐड करेंगे तंदूर में और अब हम इसे धीरे धीरे अच्छा से वेल डन कुक कर लेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं चिकन वेल डन कुक हो चुका है। अब हम इसे अच्छा से प्लेटिंग कर लेते हैं और सबसे पहले हम धीरे धीरे इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। मैंने कैसा प्लेट को सेट कर लिया है। चलो अब अच्छा से थोड़ा गार्निश कर लेते हैं। यह है टोमेटो और सुल्ताना का डिप है, आपको सेम ऐसा ही प्लेट पे रख लेना है। और अब हम धीरे धीरे चिकन को थोड़ा सा ऑयल पे इसे अच्छा से कवर कर लेना है आपको। और देख रहे इसे अच्छा से नाइसली प्लेटिंग कर लेंगे। और धीरे धीरे हम अच्छा से थोड़ा ऐड कर लेंगे 2-4 माइक्रोग्रीन्स। और दोस्तों कैसा रहा कबाब का रेसिपी और प्रेजेंटेशन, हो जाए जोरदार एक लाइक। अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक हो जाए। मैं हूँ शेफ गोपाल, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नया खाने का साथ। बाय बाय, थैंक यू।